हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी एकेडमी। गाइस, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 11 लेकर के आए हैं और इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क के बारे में। बच्चों, यहां पर हम एक डिस्क लेंगे जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो इस तरह से हमने यहां पर एक डिस्क लिया, ठीक है, और ये डिस्क यहां पर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो आप इस पर चाहे तो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें या नेगेटिव चार्ज। तो मैं यहाँ पर इस डिस्क पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है बच्चों। अब क्योंकि डिस्क है तो आप जानते हैं, डिस्क की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ। बच्चों, यहाँ पर जो चार्ज होगा वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है? सरफेस पर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि टोटल चार्ज इस पर क्यू है और इस डिस्क की जो रेडियस है यानी सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है, अगर वो हम यहाँ पर आर लेते हैं, तो यहाँ पर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में लिख सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, बच्चों हम यहाँ पर जानते हैं कि पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि कितने एरिया में है। अब बच्चों, अगर हम देखें तो चार्ज कितना अपने पास क्यू और एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, है ना, सर्कल का एरिया, डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो जो चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी क्यू डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। हम यहाँ पर सिग्मा का यूज़ करते हुए रिजल्ट को लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर सिग्मा यूज़ करूँगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और बच्चों, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर डिस्क की वजह से फाइंड करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और कहाँ पर फाइंड करेंगे? बच्चों, ये जो इसकी एक्सिस है डिस्क की, ठीक है, इस एक्सिस पर आप यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे पी, जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर होगा, और हम इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों, हमें ये पता है, लास्ट टर्म पे हमने पढ़ा था कि रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू क्या है। तो अब आप ये समझिए कि अगर मुझे डिस्क बनानी है तो डिस्क को मैं छोटी छोटी रिंग से मिलकर के बना सकता हूँ। मतलब कि अगर मैं, मेरे सामने सपोज यहाँ पर एक डिस्क हो इस तरह से, और मुझसे बोला जाए डिस्क को बनाना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, डिस्क को बनाने के लिए मैं रिंग यूज़ करूँगा। सपोज मैं यहाँ पर आर थिकनेस की एक रिंग लेता हूँ, जिसकी आर रेडियस की, बच्चों एक रिंग लेते हैं जिसकी थिकनेस यहाँ पर कितनी होगी? डी आर। मतलब यहाँ पर जो हमने रिंग ली है उसकी रेडियस कितनी है? आर, और इसकी जो थिकनेस है बच्चों वो कितनी है? डी आर। तो मैं इस रिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसकी थिकनेस बहुत कम होगी तो आप इसको एक रिंग एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। यानी कि ये जो कंप्लीट डिस्क है, इसका जो एक एलिमेंट है, मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट बच्चों अपने पास क्या है? डिस्क। लेकिन इसमें जो हमने एलिमेंट लिया है वो क्या है अपने पास? एलिमेंट अपने पास है रिंग, और इस रिंग की रेडियस कितनी है? आर, और थिकनेस कितनी है? डी आर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। तो बच्चों, अब आप मुझे ये बताइए, अगर हमारे पास आर रेडियस और डी आर थिकनेस की कोई रिंग हो, ठीक है, रेडियस इसकी कितनी है? आर, और बच्चों इसकी थिकनेस कितनी है? डी आर। तो हमने यहां पर एक रिंग लिया जिस रिंग की जो थिकनेस है वो कितनी है? डी आर है, और रेडियस इसकी आर है। और अब हम इस रिंग की वजह से एक्सिस पर, एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर है, तो यहां पर लिख लें स्मॉल आर, और डिस्टेंस कितनी है? एक्स। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। बच्चों, हमें यह पता है कि इस पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। तो सपोज आपने इस पर डी क्यू चार्ज अज्यूम कर लिया। अब अगर इस पर डी क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरह से होगी, और उसको मैं डी ई से रिप्रेजेंट करूंगा। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, और उसके बाद अगर हम जीरो से लेकर कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर दें तो हमें डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहां पर हम डी ई लिखते हैं। डी ई कितना हो जाएगा? डी ई हो जाएगा के इंटू चार्ज ऑन रिंग इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर होल पावर 3/2। बच्चों, ये फार्मूला हम लोगों ने लास्ट टर्म पे पढ़ा था
कि जो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। एग्जैक्टली यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले हमें डी क्यू की वैल्यू लिखनी होगी, तो डी ई लिखते टाइम हम यहाँ पर लिखेंगे के। अब डी क्यू यानी कि चार्ज क्या होगा इस पर, तो अगर इस पर चार्ज लिखा जाए तो आपको पता है यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा। और बच्चों ये जो रिंग है इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो अगर मैं रिंग के एरिया की बात करूं तो रिंग का एरिया क्या होगा, रिंग की लेंथ। बच्चों यहाँ लेंथ कितनी होगी इसकी, 2πr, ठीक है, ये तो हो गई लेंथ, इंटू थिकनेस। थिकनेस कितनी है, dr। तो अगर आप ये वाली लेंथ और लेंथ इंटू थिकनेस कर दोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2πr इंटू dr। बच्चों इससे अपने को क्या मिल गया यहाँ पर, टोटल चार्ज। भाई यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा, और इसका एरिया कितना है, 2πr dr। तो चार्ज कितना गया, सिग्मा इंटू 2πr dr इंटू यहाँ पर लिखेंगे x, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। तो बच्चों ये अपने को मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। अब रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, अब आपको क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके डिस्क की वजह से फील्ड निकालनी है। तो बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में लिमिट कहां से कहां लगेगी, R इज इक्वल टू 0 से लेकर के R इज इक्वल टू कैपिटल R। बाकी अब आप ये पूरी वैल्यू लिख देंगे। K को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0, यहां पर आ जाएगा 2πσ इंटू एक्स, और साथ ही साथ आपके पास यहां पर क्या है, R dr डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। तो इस तरह से आपके पास एक रिजल्ट है। अब बच्चों इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है, आप जानते हैं इंटीग्रेशन में कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रल साइन के बाहर कर लेते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2ε0, ठीक है। साथ ही साथ ये एक्स भी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और अंदर अपने पास क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा आर डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और लिमिट हम यहाँ पर लगाएंगे r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू कैपिटल R। अगर हम देखें तो यहाँ पर अब ये जो इंटीग्रेशन है इसे सॉल्व करना है, और इंटीग्रेशन के लिए आप यहाँ पर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो लिखा है इसको कुछ अज्यूम कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ यहाँ पर अज्यूम कर लूँ, सपोज मैं टी स्क्वायर अज्यूम कर लूँ, तो बच्चों डिफ्रेंशिएट करने पर देखो r यहाँ पर वेरिएबल है, तो r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2r dr। x यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2t dt। इसको अगले स्टेप में आप लिख सकते हो, r dr की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, t dt। यानी कि r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह हम t स्क्वायर पुट करेंगे, और r dr की जगह हम क्या रख देंगे, t dt। तो देखिए ये इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2ε0, और इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास आएगा, बताओ r dr की जगह क्या लिखें, t dt, और r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह यहां पर लिख दें t स्क्वायर, और होल पावर क्या लिख देंगे यहां पर, 3/2। और बच्चों लिमिट कहां से कहां है, 0 टू कैपिटल R। लेकिन बच्चों अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अब हमें लिमिट चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लिमिट आपने किसकी ली थी, R की, लेकिन अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, T के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो सोचो अगर मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू T स्क्वायर, तो सोचो अगर मैं R इक्वल टू 0 लेता हूँ तो T कितना मिल जाएगा अपने को, X मिल जाएगा, और R की जगह अगर मैं कैपिटल R लेता हूँ, R की जगह अगर मैं कैपिटल R लेता हूँ तो बच्चों t कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि अब अगर मैं लिमिट की यहाँ पर बात करूँ तो लिमिट यहाँ पर क्या होगी, अब ये 0 हट जाएगा और इसकी जगह लिमिट क्या आ जाएगी, t की लिमिट लगेगी t इक्वल टू एक्स, और अपर लिमिट अगर हम देखें तो क्या आएगी, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है, ये लिमिट अब हमें यूज़ करनी है। तो चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। बच्चों अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय 2ε0, और इंटीग्रेशन के अंदर देखें तो यहाँ पर अपने पास है t dt डिवाइडेड बाय,
बच्चों टी स्क्वायर के पावर 3/2, ये कितना हो जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा। आगे इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपके पास 1 बाय टी स्क्वायर डीटी। और लिमिट कहाँ से कहाँ पर है, लिमिट है लोअर लिमिट यहाँ पर x है और अपर लिमिट क्या है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों हम जानते हैं 1 बाय टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा, 1 बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन टी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेते हैं माइनस, और यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन टी, और अब आप लिमिट लगा दें x टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें अगर हम देखें तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब लिमिट लगाएंगे बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जब अपर लिमिट आप यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टी की जगह अपर लिमिट रख दें रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस टी की जगह लोअर लिमिट रख दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब टी की जगह अगर लोअर लिमिट रखें तो टी की जगह एक्स आ जाएगा, और ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब बच्चों ये माइनस साइन अंदर ले जाएंगे, और माइनस साइन अगर हम अंदर ले जाएं तो ये जो आपके पास मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों जो एक्स है उसको भी अंदर ले जाइए, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक फाइनल रिजल्ट है, लेकिन मैं आपको इसमें भी थोड़ा एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये आसानी से लर्न हो जाए। अगर आप इसमें देखें तो ये अपने पास डिस्क थी, ठीक है, इस तरह से डिस्क थी अपने पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ पर फाइंड करनी थी, यहाँ से डिस्टेंस x पर फाइंड करनी थी, तो ये डिस्टेंस x है, और बच्चों ये डिस्टेंस क्या है, r है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाली जो डिस्टेंस है यानी हाइपोटेन्यूस है वो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों अगर मैं इस एंगल को थीटा अज्यूम कर लूँ तो मुझे ये बताइए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, यानी कि ये वाला जो टर्म आपके पास लिखा है ये एक्चुअल में क्या लिखा है, कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे देख लें, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये फाइनल रिजल्ट आपके पास आ गया कि अगर यहां पर ये वाला एंगल आपको थीटा दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपको ध्यान में रखना है, लर्न कर लेना है। अब बच्चों इसमें कुछ स्पेशल केसेस हम लोग देखते हैं। तो यहां तक हम लोग एक रिजल्ट डिराइव कर चुके हैं कि अगर अपने पास एक डिस्क है यहां पर और डिस्क पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, इस तरह से डिस्क की कंप्लीट सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और आपको जो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी गिवन है वो कितनी है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये आपको चार्ज डेंसिटी गिवन है, और आपको क्या फाइंड करना था, यहाँ से डिस्टेंस एक्स पर यानी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी। तो बच्चों हमने ये रिजल्ट देखा कि अगर यहाँ पर हाफ एंगल थीटा है यानी कि इस डिस्क का जो हाफ है, मतलब हाफ मतलब समझ रहे, यानी रेडियस जो है वो यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड कर रही, थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी आती है बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर मैं जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्क यहां पर ये जो गिवन है आपको, इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर आपको फील्ड फाइंड करनी थी, तो बच्चों सपोज मैं अगर इस पॉइंट पर हूं, ठीक है, तो बताइए ये कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा, तो सपोज इसने कुछ एंगल सबटेंड किया थीटा 1, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को थोड़ा और क्लोज ले जाऊं, सपोज मैं पॉइंट यहां पर लेके आ जाऊं, तब ये कितना एंगल सबटेंड करेगा, सपोज थीटा 2। यानी आप जैसे जैसे इस आगे बढ़ते जाओगे, बताओ एंगल क्या है, इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि अगर मैं यहां से डिस्टेंस को कम करता जाऊं, है ना, एक्स को मैं डिक्रीज करता जाऊं तो थीटा इंक्रीज होता जाएगा। इसी तरह एक्स को अगर मैं जीरो की तरफ टेंड करा दूं, जीरो मतलब क्या, बिल्कुल सेंटर के पास चले गए यहां पर, तो बच्चों अगर आप एंगल देखो तो अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब कि अगर आप एक्स को जीरो की तरफ टेंड करा दो तो ये जो थीटा है वो 90 को अप्रोच कर जाएगा। यानी कि अगर हमसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेरी क्लोज टू सेंटर ऑफ डिस्क। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर हम डिस्क के सेंटर के बहुत पास चले जाएं, ठीक है, यानी कि x बिल्कुल जीरो को टेंड कर जाए, तो बच्चों उस टाइम cos थीटा, क्योंकि आप देख रहे हो अगर x जीरो की तरफ टेंड करता है तो थीटा 90 को टेंड करेगा, तो cos थीटा जीरो को टेंड कर जाएगा, और अगर cos थीटा जीरो हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर टेंड कर जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को। तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि डिस्क के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी या सेंटर के बहुत पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तब आप क्या रिजल्ट यूज करेंगे कि सेंटर के बहुत पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक तो ये आपको याद रखना है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, और जो सेकेंड रिजल्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहां पर है, अगर एक्स जीरो को टेंड हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कितनी लेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों रिजल्ट के बाद, ये जो आपने रिजल्ट यहां पर फाइंड किया है, इसके बाद हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे कि जो डिस्क पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई है एक्सिस पर, उसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे डिस्टेंस के साथ। तो देखिए यहां पर मैंने क्या रख दिया, यहां पर ये एक्सिस है, और एक्सिस में अगर आप देखें तो यहां से जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं वो एक्स है, और चार्ज डेंसिटी पर कितनी है सिग्मा। अब हम यहां पर ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो यहां पर हमने रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इस एक्सिस पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे एक्स की, यानी एक्स के साथ अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन किस तरह से होता है। बच्चों आपको ये तो पता ही है कि जैसे अगर मैं यहां पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता हूं तो कैसी होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज यानी कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ प्लॉट करते टाइम डायरेक्शन का ध्यान रखना है आपको। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां ड्रॉ करूं तो देखो आपको पता है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सेंटर के बहुत पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इससे जैसे जैसे आप दूर जाएंगे बच्चों, जैसे जैसे आप एक्स बढ़ाते जाओगे, एक्स इंक्रीज करने पर क्या होगा, थीटा डिक्रीज करेगा, और बच्चों थीटा कम होगा तो कॉस थीटा इंक्रीज होगा, और बच्चों कॉस थीटा अगर इंक्रीज होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा डिक्रीज होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगी। तो बच्चों यहां पर जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, ठीक है, मतलब यहां पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद डिक्रीज करेगा और फिर ऐसे जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहां पर बात करें तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज करोगे मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज करेगा। तो आप ये कह सकते हो यहां से वैल्यू डिक्रीज करनी स्टार्ट करेगी। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, आप इस ग्राफ को अच्छे से देख लें, आपको ये ग्राफ बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए कि यहां पर ग्राफ किस तरह से चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डिक्रीज कर रही है, और बच्चों अगर आप x इन्फानाइट पे चले जाओगे तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो को टेंड कर जाएगी। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, एक तो याद रखना आपको, सेंटर के बहुत पास जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, ये आपको दिमाग में रखना है अपने। और अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ इस तरह का कुछ प्रोफाइल होती है, तो ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। अब बच्चों यहां पर मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। यहां पर बच्चों एक क्वेश्चन गिवन है, और ये क्वेश्चन जेई मेन ऑनलाइन 2013 का क्वेश्चन है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। पहले क्या लिखा हुआ है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस आर इज सिग्मा। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या बोला है कि अपने पास एक चार्ज डिस्क है, चार्ज डिस्क है मतलब किस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो मैंने यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इन्होंने बोला है यहां पर कि जो चार्ज डेंसिटी है वो बच्चों कितनी है, सिग्मा है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहां चार्ज डिस्क पर सिग्मा ले लिया। आगे लिखा है द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों अगर ये चीज़ ना भी देते तो हमें पता है कि जो सेंटर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
एट सेंटर कितनी है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और आप ये जानते हैं पहले से भी। आगे लिखा है विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड एट सेंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। मतलब बच्चों हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर हम सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर जाएं, आर डिस्टेंस पर जाएं, मतलब जितनी इसकी रेडियस है उतनी ही डिस्टेंस पर अगर इधर जाएं, तो सेंटर के रिस्पेक्ट में फील्ड में कितना रिडक्शन आएगा, है ना, आपको बताना है कितने परसेंट का रिडक्शन आएगा। तो बच्चों सबसे पहले तो ये समझो कि एंगल कितना बन रहा होगा यहाँ पर। तो देखो ये डिस्टेंस भी आ रहा है, ये डिस्टेंस भी आ रहा है, तो अगर मैं इस एंगल को थीटा अज्यूम कर लूँ, तो बच्चों टेन थीटा आप क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये आ जाएगा 1, इट मीन्स थीटा बच्चों कितना हो गया 45 डिग्री। और डायरेक्ट भी आपको पता है कि एंगल जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45। अब बच्चों ये एंगल 45 आ गया तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम कॉस थीटा यानी थीटा की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय रूट 2, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है जो स्क्वायर रूट 2 है इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप इसको किसी भी तरह सॉल्व कर लें, आप चाहें तो इसको, ये बच्चों क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है, और ये आपके पास क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, आप चाहें उसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ई सी माइनस, ये हो जाएगा ई सी डिवाइडेड बाय रूट 2। अब बच्चों अगर आप देखें तो आपसे पूछा है सेंटर के रिस्पेक्ट में कितना रिड्यूस हुआ है, यानी कि हमसे पूछा है देखो पहले कितनी थी ई सी, और जब आप r डिस्टेंस पर गए तब फील्ड कितनी हो गई e, तो ई सी माइनस ई की जो वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी वो बच्चों कितनी हो जाएगी, ई सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई सी माइनस ई डिवाइडेड बाय ई सी, ठीक है, ये बच्चों क्या होगा फ्रैक्शनल चेंज आएगा, है ना, मतलब कि इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल, तो ये फ्रैक्शनल चेंज आ गया। और इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज रिडक्शन आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए, ये आपको मिल जाएगा 1 बाय रूट 2 इंटू 100, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 बाय रूट 2 इंटू 100, ठीक है, तो ये आ गया परसेंटेज रिडक्शन, मतलब आप इसे लिख सकते हो ये क्या है यहाँ पर परसेंटेज रिडक्शन, ठीक है, तो परसेंटेज रिडक्शन यहाँ कितना आया, मतलब वैल्यू कितने से रिड्यूस हो चुकी है 100 डिवाइडेड बाय रूट 2, ठीक है बच्चों। अब आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, रूट 2 क्या होगा 1.414, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 1.414, ठीक है बच्चों, ये इस तरह से आ गया। और इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो अप्रॉक्सीमेट ये जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 70.72% के आसपास बच्चों ये वैल्यू आएगी, मतलब इसमें आप ये कह सकते हो फर्स्ट ऑप्शन जो इसका होगा वो करेक्ट होगा। तो बच्चों ये आपने देखा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, और आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला अगर पता है तो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो अच्छे से एक बार आप इस फॉर्मूले को देख लीजिएगा, इसका जो मैंने ग्राफ आपको बताया है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को वापस आप एक बार खुद करके देखना। और अगर वैसे इस क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन ना भी दी जाती तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और बच्चों अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस पर कॉमेंट्स कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम इसके आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो अगला लेक्चर भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू बच्चों।